आज आप लोग को मैं एक्सेल शीट से कराया। एक्सेल शीट से और कैसे ट्रेड लेता है इधर BWFE। एक मिनट, किधर है? इधर इसका थोड़ा सा इसमें जागना, ठीक है। इसमें BWFE, ठीक है, ये वाला ले लेना। हाँ, उसके बाद मूविंग एवरेज 200 लेना, ठीक है। अब 200 मूविंग एवरेज और BWFE, ये मेरा 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और इस आज का एक्सेल शीट है वो एस्ट्रोलॉजी एक्सेल शीट, ठीक है। ये जो एक्सेल शीट देख रहे हैं ना, इसका जूम आउट करता हूँ। अरे यार, इतना छोटा, थोड़ा बस इतना ही रहना रहता बस है। ये जो ऐप्स कौन सा है? बजाज का है ना, ये कौन सा है? बजाज का, ठीक है। बजाज का देख लेता हूँ। BW प्राइस, जब एक्सेल शीट लेना है ना आपको, एस्ट्रोलॉजी, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी एक्सेल शीट। तो एस्ट्रोलॉजी एक्सेल शीट में आपको अगर कमोडिटी, अब बात में कमोडिटी टाइम अलग है थोड़ा, और इसको थोड़ा टाइम अलग है। इसमें आप कौन सा जाना, कितना 10 मिनट कैंडल में जाना, 10 मिनट जाके यहाँ पे 10, 11 नहीं जाना, यहाँ पे 925, 935 प्राइस पकड़ना। तो 935, ठीक है, 935 पे BWFE प्राइस, ये देखो यहाँ पे पकड़ना, कितना आ रहा है 935 BW प्राइस आ रहा है 2070। तो हमारा जाना एक्सेल शीट 2070 ना, 1819, ये तो ज़्यादा ही है, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 19,000 का है। यहाँ होगा इसका, ये 10,000 है ना, 7,000 कितना हो, 7,000 2,000 का, 3,000 आ रहा है, 8,096, 9,030 हमारा कितना है 2,013, यहाँ पे कितना है प्राइस 2,075 है, तो हमारा न्यू ईयर प्राइस 2,070 तो 2,002 पकड़ लेता है, ठीक है, 70 पैसा, तो 19,091.20, तो यहाँ पकड़ना इसका न्यू ईयर प्राइस 2,002, ठीक है, यहाँ हमारा 19,900। एक मिनट, ये है देखो 2,070। हाँ, वाह, ठीक है, ये वाला देख लिया ना, तो इसका न्यू ईयर प्राइस, ये देखो BW प्राइस कितना है 2,072, थोड़ा सा नीचे
702070 ठीक है 935 देखो 935 प्राइस और BWP नीचे तो 2070 ठीक है तो हमारे एक्सेल शीट में कितना है 2070 ओके इसका न्यूअर प्राइस कितना है 2081 ठीक है यहाँ रखता हूँ 2081 तो हम आ जाएगा ओरिजिनल लाइन किधर है हमारा ओरिजिनल लाइन गन्स 20 कितना देख रहा था ऊपर का प्राइस 2081 20 आता ना उसमें वन क्यों ये है 2081 ठीक है 2081 ओके इसको कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ 2081 ओके और नीचे का लेवल कितना आएगा देखता हूँ ठीक है ये ब्लैक कलर कर देता हूँ नीचे का लेवल जो है 2058 ओके 2058 ओके ये ऊपर का लेवल है नीचे का लेवल है आज का ठीक है ये एस्ट्रोलॉजी लेवल उसके बाद आप कितना भी लेवल ले लो उसके बाद कितना आता ये 2081 2093 ठीक है यहाँ पे और एक लेवल ले लेना 2095 4 3 ये और एक लेवल ठीक है अगर ये मिस्टेक हो तो ऐसे ले सकते हैं और इसके बाद कितना आता 2093 2001 2016 ठीक है 206 कितना भी लेवल है उसके बाद जब ऊपर जाए ना वो ऊपर का लेवल वैसा लेना यहाँ पे कहाँ पे कितना भी जाने दो ले लेना ठीक है और नीचे का लेवल जो है बैक साइड में जाना 2058 लगा 2047 2036 2025 उसके बाद यहाँ पे जाना 2025 ठीक है 2013 2012 199 नीचे का लेवल है ठीक है एक्सेल शीट एस्ट्रोलॉजी एक्सेल शीट बोलता है इसको तो इसको हमें ज़रूरत नहीं फर्स्ट अभी 935 में BWP प्राइस तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा प्राइस इसका प्राइस 20 कितना देखा था 2058 तो 2058 तो ये लेवल हमारा प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट नहीं किया 75 कैंडलस्टिक ठीक है प्रॉपर लेवल क्रॉस किया नेक्स्ट ये लेवल में एंट्री नहीं बनता ठीक है प्रॉपर क्रॉस किया इसका पर लेवल एंट्री बनता यहाँ पे ठीक है यहाँ पे एंट्री बनता तो यहाँ पे एंट्री आपको बन जाएगा एंट्री बनने के बाद सीधा यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट आया होल्ड करे तो थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता और स्टॉप लॉस ये कैंडल का यहाँ पे लगाना ठीक है और तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता अभी ये वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा ये वाला जो ये लेवल है ना इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा प्रॉपर ब्रेक देखो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पे सपोर्ट ले लिया क्यों लिया ये एक एस्ट्रोलॉजी लेवल बोलता जिसको जो एक्सेल शीट में दिखा जाता है ऐसे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर यही देखता है एक्सेल शीट ठीक है और ये सब नहीं मिलेगा आपको ये सब कोचिंग का अंदर रहता
ये बड़ा एक्सेल शीट का कमाल है, ठीक है। कोई भी स्टॉक ले लो, ठीक है, आप ये बजस का ले लो, और फिर ये देखो हमारा यहाँ पे भी यहाँ सेल, ठीक है, ये इंडिकेटर में यहाँ सेल दिया, तो यहाँ भी बाय, यहाँ पे इंडिकेटर में बाय दे रहा है, ठीक है, मगर हमारा एक्सेल शीट में यहाँ पे अभी बाइंग नहीं आया, ठीक है। बी डब्ल्यू प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, और एक्सेल शीट है इसके नीचे है, जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ऊपर ही एक्सेल शीट, तो यहाँ प्रॉपर एक कैंडल आएगा, तो उसको नेक्स्ट कैंडल में बाय टिकर हो जाएगा, तो उसके बाद कितना ऊपर ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। एक्सेल शीट, हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक्सेल शीट, तो एस्ट्रोलॉजी का होगा ये निफ्टी, और निफ्टी निफ्टी 50 में काम नहीं होगा, ठीक है, और क्रूड ऑयल में भी मस्त काम करता, क्रूड ऑयल में भी आप दिखाता हूँ मैं आपको, रुको, ये क्रूड ऑयल का भी दिखा देता, क्रूड ऑयल में भी जबरदस्त काम करता, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कितना MCX गोल्ड क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल का दे दिया, फिर वेट करो आ जाता, क्रूड ऑयल में कितना आता, क्रूड ऑयल का टाइम कितना है, 9:35, इसमें 9:35 9:45 आएगा, एक सेकेंड, हमेशा तो मैं वो काम नहीं करता, भूल जाता, क्रूड ऑयल में कितना है, M6 क्रूड ऑयल 91 मूविंग एवरेज, ओके, थोड़ा इसमें कुछ मूविंग एवरेज ऐड करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा मूविंग एवरेज कर देता हूँ, 200 मूविंग एवरेज, और सॉरी MOV मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मेरे को जरूरत नहीं, वॉल्यूम का रहने देता हूँ, क्या होता है 200 आप VW पे, और एक इसको थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे सिस्टम इनपुट इसको 9 का जगह 91, ठीक है, MCX में 91 मूविंग एवरेज, बाय एंड द सेल 91 मूविंग एवरेज, एंड द प्राइस इसमें 19 ऑन मूविंग एवरेज, ठीक है, और थोड़ा इसका कलर जो है मैं फिलहाल के लिए रेड कर देता हूँ, ठीक है, ओके, इसका नीचे रहना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, तो 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, इसका नीचे है, तो 91 मूविंग एवरेज का नीचे है, और इसका कितना टाइम आएगा, स्पेशल एट द मूविंग 99 हाई लो 9:40, ठीक है, इसका मूविंग एवरेज आएगा 9 टाइमिंग जो एस्ट्रोलॉजी लेवल, तो मैं इसको यहाँ पे देता हूँ VWB 940, यहाँ किधर है, यहाँ आ गया थोड़ा 9:40, तो हमारा 940 ये है VWA प्राइस, कितना आ रहा है 1212, ठीक है, ₹1212, ठीक है, 1212, ठीक है, उसका एक्सेल शीट किधर है, ये है ना 1212, तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा एक्सेल शीट को, जूम आउट करने का ज़रूरत नहीं, अरे किधर चले गए, यहाँ पे है 1112, ठीक है, 1-2 का लेवल है, 1-2 इस लेवल में होगा, 1-2, 1-2-5, 1-2-1-2, 1-2-1-2-6, 1-2-7, 1-2-2,
तो यहाँ पे आएगा हमारा वो न्यू प्राइस नहीं मिला है ना 1207, तो 1012 रुपीज़ है ना, तो 12 और 16 रुपीज़ और 12 16, तो हमारा 12016 में प्राइस पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना न्यू और प्राइस, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 1200, ओके 1012 रुपीज़, तो 1007 और 12 16 और 98 तो मैच नहीं कर रहा, तो हमारा प्राइस 1216 रुपीज़। तो न्यू ईयर प्राइस कितना है यहाँ पे रहने देता हूँ 1225, ओके 1225, तो ओके 1225 ये ऊपर का लेवल है, ठीक है 1225, इसका ग्रीन कलर आएगा, मैं रेड कलर पे रहा 1225, ठीक है। और नीचे का लेवल अभी थोड़ा हम ब्लैक कलर कर देता हूँ, तो नीचे का लेवल हमारा कितना आ रहा है 1225, ठीक है। नीचे का लेवल आ रहा है 1207, ओके ये आ गया 1207, ये है नीचे का लेवल, ठीक है 1207 ये है नीचे का लेवल। और उसको बाद और मतलब लेवल 1271198, ठीक है नेक्स्ट लेवल नीचे का 1198 1198 1194567 7 6 8, ठीक है नेक्स्ट लेवल ये है, तो उतना लेवल जरूरत नहीं, फर्स्ट लेवल होगा। तो हमारा देखो लेवल क्या हुआ 10 मिनट कैनलिस्टिक में 940, ठीक है। तो हमारा ये नीचे का लेवल है और वी डब्ल्यू प्राइस का नीचे है, तो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्फर्म, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, थर्ड ब्रेकआउट नहीं किया, थर्ड यहाँ पे एंट्री बन जाता है, ठीक है ये प्रॉपर एंट्री बनता है, स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे रहेगा, तो थोड़ा सा ग्रीन फिर धीरे 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 नीचे सेल, देखो कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजी लेवल काम करता है। खाली ओनली इसमें क्या किस में काम नहीं करेगा, ओनली निफ्टी 50 में काम नहीं करता, निफ्टी 50 में अलग सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है एस्ट्रोलॉजी लेवल है जो इसको बोलता है एक्सेल शीट, ये सबको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें हमको निफ्टी 50 में आपको कौन सा दिन लेना है मैं दिखा रहा हूँ, निफ्टी 50 में इसमें काम नहीं करता, निफ्टी 50 में 2 वर्स्ट लिस्ट, ठीक है निफ्टी, निफ्टी मार्केट निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में लेता हूँ, ठीक है निफ्टी बैंक में ले लेता हूँ, कैश मार्केट में फ्यूचर भी ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो इसका ये थोड़ा अलग लेवल, इसमें अभी वो मैं एक मूविंग एवरेज को आउट कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ 91 मूविंग एवरेज को, मेरे को ज़रूरत नहीं, कभी इसमें 91 मूविंग एवरेज बी डब्ल्यू पी प्राइस काम नहीं करेगा, इसमें खाली कैंडलस्टिक काम करता और 200 मूविंग एवरेज काम करेगा, ठीक है। इसका लेवल मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है एक मिनट, इसके लेवल निकालने के लिए आपको यहाँ पे डब्ल्यू डी ज्ञान फैन को यूज़ करना, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे कितना पीबीएस क्लोज जिसको बोलता है कल का क्लोजिंग कितना है, थोड़ा वीडियो को स्टॉप करता है थोड़ा सेकंड, ओके पीबीएस क्लोज कितना था
पीबीएस डे कैंडल ले लेते चलेगा। किधर है अभी डे कैंडल? छोड़ो यहाँ से ले लेता हूँ। पीबीएस क्लोज कितना था कल का परसों का 23 अप्रैल 2015 और आज कितना है 24 3 4 3 4 5 बंद है ना। लास्ट कितना था 15:25 पीबीएस क्लोज ठीक है। तो 19,586 पीबीएस क्लोज का डे कैंडल लिए तो अच्छा रहता। फिर डे कहाँ है ऑन डे यहाँ ले लेता हूँ। इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। कितना कल पीबीएस क्लोज कितना था उस दिन ये वाला कैंडल होगा 9,586 आता है इसमें। नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी फोर 3 मिनट के लिए ठीक है। अब अच्छा रहता है, थोड़ा जूम नहीं हो रहा है। कौन सा वाला एक ही है फाइव सिक्स सेवन ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा 9,586 ठीक है चलता कुछ नहीं। थोड़ा सा इधर उधर उसके बाद ये है फिर कौन सा लेवल है फर्स्ट लेवल। तो 9,586 का लेवल कहा था 19,000 का यार 9,565 एक मिनट वीडियो 9,586 तो न्यू और प्राइस 9,586 और 1960 तो यहाँ पे आएगा 19,960 तो न्यू और प्राइस और 19,600 तो हाँ हमारा ये प्राइस आता ठीक है 9,565 तो नीचे है ना 65 70 80 तो
86 आता ना, तो हमारा प्राइस आता 19,600। तो 19,600 इसका प्राइस नीचे का लेवल है 9,565, 9,565 नीचे का लेवल। और एक ले लेता 19,565 फोर, अरे बाँदर से 4,545, ठीक है थोड़ा सा नीचे आएगा 2,560 60 कितना भूल गया यार, 9,635 सॉरी 9,196 3,5। अरे ये साला लेवल निकालना दिमाग खराब, दर्द भी हो रहा है। 19,635 ऊपर का लेवल है ना, मैं नीचे का लेवल है 635, 9,635 बॉक्स के ऊपर का लेवल है, ठीक है ग्रीन कर देता हूँ, ये है ऊपर का लेवल। तो हमारा इसको ज़रूरत नहीं, ये क्लोजिंग प्राइस है, कल का PBS क्लोज है, ठीक है जो PBS क्लोज कैंडल उसको बात आ रहे यार। ये है एक लेवल निकाला कितना, या 19,600 प्राइस, ये 96 सेमी है 9,635 और 9,670 और आज जितना आगे जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे का प्राइस है 9,565, नीचे का प्राइस 9,600 4,545 4,545 फोर ही देता हूँ, ठीक है थोड़ा सा नीचे इसको 4,560 5,600 64 एक मिनट देख लेते हैं, 9,565 9,564 5, ठीक है चलता कुछ नहीं, थोड़ा चाहिए इधर उधर। तो हमारा ऊपर का लेवल ये है, इसको ब्लैक कलर करता थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो इसका कौन सा है, निफ्टी इंडेक्स का, इंडेक्स का लेवल में ड्रॉ किया, देखो यस इंडेक्स का लेवल ड्रॉ किया, तो सवेरे खुलते ही देखो खुलते ही भाड़ में चले गए, जब ये खुल गया कैंडल सवेरे खुलते ही प्रॉपर लेवल ऊपर चले गया, ठीक है। अभी ऊपर का लेवल आपको ऐसा करना, अभी कहाँ गया कौन सा लेवल है, ये ज्ञान फैन का लेवल, इसको काम में नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, ये अलग ज्ञान ज्ञान का लेवल में काम करेगा, ठीक है। तो ऊपर का लेवल कितना है, 19,635 19,670 रुपीज़ और 9,670 70 70 70 70 रुपीज़, ये और एक लेवल है, ठीक है। और तीसरा नेक्स्ट लेवल चलो 975 70 5, यहाँ पे और एक लेवल है, ठीक है
5 9 0 7 0। अरे सेवन का कॉल्स पे हमें ये सिक्स का लगा है, मतलब 906 है, गलती हो गया। ये इसको भी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 9 7 7 कितना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 9 6 7 0 एक लेवल है, 9 6 7 0 एक है, छोड़ दो, नेक्स्ट लेवल 9 7 0 5 9 7 0 5 6 बस यहाँ पे। ये अब छोटा दिख रहा है ना, जूम करे तो बड़ा दिखता है। ये देखो ऐसे लेवल ड्रॉ करके जाना, ये है डब्ल्यूडी ज्ञान, ठीक है, तो ऐसा लेवल ड्रॉ करके जाना, पीबीएस क्लोज, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा, या डब्ल्यूडी ये काम करेगा, ठीक है। इसका जैसे लेवल है ड्रॉ करते जाना। हाँ अरे यार इसको एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा, इसमें डब्ल्यूडी ज्ञान काम करेगा, ठीक है। और डब्ल्यूडी ज्ञान किधर भी काम करता है, एस्ट्रोलॉजी निफ्टी फिफ्टी में काम नहीं, मतलब निफ्टी फिफ्टी में डब्ल्यू डी ज्ञान काम करता, हर चीज में काम करेगा डब्ल्यू डी ज्ञान। डब्ल्यू डी ज्ञान जो है ना, ये जो डब्ल्यू डी ज्ञान है, छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, पहले जाता हूँ, चले जाता हूँ। डब्ल्यू डी ज्ञान जो है ना, तो ये सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप है, इसमें हर चीज आपको काम करेगा, ठीक है। ये लेवल ड्रॉ करना एक बार, ठीक है, कितना भी बड़ा है स्टॉक हो, कौन सा भी, हर चीज में ये आप काम देगा, हर चीज में, ठीक है, हर चीज में ये काम आएगा। ये जो है ना डब्ल्यू डी ज्ञान, ये निफ्टी फिफ्टी कोई भी स्टॉक में, ठीक है, कोई भी एनी स्टॉक्स, ठीक है, किसी में भी ये डब्ल्यू डी ज्ञान डायनामिक लेवल काम करेगा, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी लेवल है, एक्सेल शीट जो है, तो ये सब किस में काम करेगा, ये सब काम करेगा तुम्हारा जितना स्टॉक है उसमें काम करेगा, खाली निफ्टी फिफ्टी में काम नहीं करेगा, क्रूड ऑयल में भी ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। और ये सब लेवल ड्रॉ करना, और भी इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है, इसे एक छोड़ देना, तीसरा करना, तीसरा ऐसा लेवल लेवल टू लेवल रिस्पेक्ट करेगा आपको, ठीक है। सवेरे खुलते ही देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से छोड़ दिया, फिर यहाँ ये इसमें सपोर्ट दिया, तो इसमें ड्रॉ करते जाना लेवल लेवल बाय लेवल, ठीक है। यहाँ पे लेवल और ड्रॉ करना, ऐसा लेवल ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसा और एक लेवल आएगा, इसे ड्रॉ करो, ठीक है, पूरा। और बाजार का लेवल एस्ट्रोलॉजी लेवल है वो, ये देखो अभी ये लेवल को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो लेवल बना के रखा है मैंने, ये देखो, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी लेवल जिसको बोलते, ये वाला एक्सेल शीट का लेवल है, ठीक है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। ये खाली निफ्टी फिफ्टी छोड़ के है ना, सब में मस्त काम करता, और निफ्टी फिफ्टी में डब्ल्यू डी ज्ञान यूज करता, ठीक है। डब्ल्यू डी ज्ञान भी हर जगह काम करेगा, ये भी जबरदस्त काम करता, ऐसे नहीं है, मगर ये बी डब्ल्यू ए पी प्राइस और 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, और क्रूड ऑयल में 91 मूविंग एवरेज, क्रूड ऑयल में भी तो दिखा दिया आप लोग को, ठीक है, और एक बार दिखाता हूँ क्रूड ऑयल को, एम सी एक्स फ्यूचर, ठीक है, इसमें अरे वो कौन सा दे दिया यार, एम सी एक्स छोड़ के, एम सी एक्स न्यू और फ्यूचर गोल्ड क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में
एक बार दिखा देता हूँ जो ड्रॉ किया था ना लाइन, उसमें क्या हालत चल रहा है। थोड़ा सा नेट स्लो है इसका, भाई थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखो, अरे भाई अभी इसका लेवल और ड्रॉ कर सकता है ऐसा, एक नीचे नीचे नीचे, वो एक्सेल शीट में तो लिखा है ना, ये सपोज यहाँ पे आपको लेवल है तो ऊपर जाना बोले तो यहाँ ये सब ऊपर का लेवल है, अगर आपको यहाँ प्राइस है तो इसके नीचे पीस है, ठीक है, दुनिया का लेवल है, आप इतना ड्रॉ करो, ठीक है। ये एक्सेल शीट है, कमाल है। और ये निफ्टी 50 डब्ल्यू डी गैन, ये थोड़ा अलग रीजन का काम करता है। डब्ल्यू डी गैन जो है ना, ये निफ्टी 50 हर तरह का मार्केट को टैकल करेगा, कैन सा भी इंटरनेशनल कोई भी स्टॉक होने दो काम करेगा, ठीक है। और ये भी ये जैसा स्टॉक में काम नहीं करता निफ्टी 50, इसमें जा काम नहीं करेगा बिल्कुल, और MCX में काम करेगा, क्रूड ऑयल में, जो भी गोल्ड क्रूड ऑयल बहुत सारा जितना भी है यहाँ पे कॉपर जो भी है सब में काम करेगा, ठीक है। और ये एस्ट्रोलॉजी काम करता है, और डब्ल्यू डी गैन जो है ये निफ्टी 50 काम करेगा, ये भी सब में काम करेगा, इसे बात नहीं, ये पूरा टोटल्स काम करता है इसमें, इसमें खाली PBS क्लोज बस और कुछ नहीं, एक दिन पहले ही इसको लेवल ड्रॉ कर सकता है इसमें। और ये जो एक्सेल शीट है एक दिन पहले नहीं, ये 9:35 जितना भी ये स्टॉक है, और क्रूड ऑयल में 9:40, ठीक है, इसमें ले लेना, टाइमिंग रहता। और 91 क्रूड ऑयल में 99, देखो 90 200 मूविंग एवरेज और 99 मूविंग एवरेज को देख लेना। तो हमारा इसका क्रूड ऑयल में कौन सा ये बाय टिकर होता है यहाँ से, तो हमारा बाय टिकर नहीं, मार्केट ऊपर से खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे 9:35 में यहाँ आता, 9:40 में किधर आता, 9:40 ये ना रहा, 9:40 हाँ, तो हमारा 9:40 फास्ट लेवल है, सेल नाइन फोर्टी का लेवल यहाँ है, तो हिसाब से हमारा फर्स्ट लेवल ये ड्रॉ होता, और ऊपर का लेवल ये इधर है, तो वहाँ से बाय टिकर होता ये कैंडल में, प्रॉपर इस कैंडल में प्रॉपर इधर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे टिकर हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट, अभी तक सेलिंग चल रहा है, कहाँ तक जाए पता नहीं, ठीक है। और वर्स्ट लिस्ट और बजस का क्रूड ऑयल का बजस किधर है, बजाज में अभी जो मैं लेवल ड्रॉ किया उसका लेवल क्या है, तो बजाज का लेवल अभी भी सस्टेन कर रहा है। देखो ये डब्ल्यू डी गैन का कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो नीचे का लेवल ये है, फिर प्रॉपर सेलिंग, अगर प्रॉपर ये कैंडल यहाँ बनाएगा, इस कैंडल को प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा, इस कैंडल बनाएगा तेरा नेक्स्ट कैंडल, वो कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो सेलिंग बन जाएगा, तो उसके बाद कहाँ तक जाता वेट करना, ठीक है। अभी सेलिंग नहीं बना, मैं आपको लेबल ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है, अब वेट करो तो सेलिंग यहाँ आएगा तो मैं सेल करेगा, ठीक है। और हमारा एक्सेल इधर क्या दे रहा है, इधर भी बाइंग साइड है, बाय दे दिया, टिकर हो गया, ये अलग रिजम है, ये जो इंडिकेटर है अलग रिजम है, सेलिंग साइड ही अभी है, ठीक है, इसमें भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, सेलिंग ही है, तो बाइंग जाना बोले तो अब प्रॉपर इसको ब्रेकआउट करेगा तब तो जाके बाइंग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉपर सेल 70 कैंडल स्टिक प्रॉपर सेल सिग्नल, उसके बाद टिगर बाय सेल टिगर, बस नेक्स्ट टारगेट यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट वैसा नहीं है, ये इसका एक्सेल शीट टारगेट होता है, ठीक है, उसके बाद और डिमांड एंड सप्लाई में भी काम होता है, नेक्स्ट टारगेट पक्का यहाँ आएगा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ आया के ही पूरा ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, फर्स्ट यहाँ आएगा, उसके बाद सेकेंडी इधर, वो ये अगर क्रॉस हो गए तो यहाँ, ठीक है, क्लोजिंग हो जाएगा। तो थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। थोड़ा लेवल कैसा, मैं कैसा कोर्स सीखा, ये और बहुत सारे रीजन है इसके अंदर, स्विंग ट्रेडिंग, गैन फैन, बहुत सारे, आप लोग को इतना बोल थक जाऊंगा मैं, जैसा आप सपोज मैं इधर से इधर है,
या इतना ये सपोज एक सिंपल दे दो ज्ञान फैन का लेवल, ठीक है। ज्ञान फैन में 1 आवर का कैंडल ले रहे हैं ना, तो ऐसा पकड़ना, ऐसा पकड़ना, यहाँ 1 आवर का कैंडल डिमांड एंड सप्लाई पकड़ना, तो ऐसा पकड़ना, ठीक है। ऐसा वो सिस्टम रहता है वो। अभी इतना टाइम बोले तो स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट, फॉल्ट ब्रेकआउट, बहुत सारे रीजन भाई। कोचिंग किया है 5 साल से, ये सीखा है, अभी एक दिन का काम नहीं है ये, लगभग आपको सालों मेहनत करना पड़ेगा तब जाके सब कुछ आप सीख पाएगा, ठीक है। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, टेक केयर। देखो अभी भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और लाइव लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर करना। हाँ ठीक है, थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।